हेलो एवरीवन। तो ये 2024 का पहला वीडियो है जो हमारे चैनल पे डलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप कि आप जो भी इस ईयर में पाना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, वो आप अचीव करें, ठीक है। बट यू नीड टू बी, मतलब आपको हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, उनका MBBS में सिलेक्शन हो जाए, जो 12th में पढ़ रहे हैं तो वो अच्छे मार्क्स से जो है पास हो जाए, तो यही मेरी आशा रहेगी NCERT ज्ञान चैनल की तरफ से। एंड आई होप आप मुझे 2024 में भी उतना ही प्यार और उतना ही सपोर्ट देंगे, और हम आप और हम मिलके ये जो एयर है 24, इसमें NCERT के ज्ञान को एक नई हाइट पे लेके जाएंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी क्या बोलते हैं, मतलब बिना किसी गैप के रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगा, और फिर इस चैनल को एक बड़ा चैनल बनाएंगे आप और मैं, मतलब आप और मैं मिलके, ठीक है। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है पार्ट 3, हमने पढ़ लिया था, अब हमें पार्ट 4 पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 4 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 में हमें क्या पढ़ना है, फाइलम कॉर्डाटा के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस है, मतलब एडवांस कॉर्डाटा है, मतलब एडवांस फाइलम है, तो इसे क्या बोलते हैं, फाइलम कॉर्डाटा। अब एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डाटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉर्डेट्स में होती है, फाइलम कॉर्डेट्स में, उसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर जितने भी एनिमल्स मिलते हैं उनमें ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, लाइक दे हैव अ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड होता क्या है वो भी हम देखेंगे। एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। अब इसको एक डायग्राम की मदद से हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो ये है कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक, ये एक एनिमल है, इसके बारे में मुझे बता रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नोटोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड होता क्या है, रॉड लाइक मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। मीजोडर्म आप जानते हो ना, जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म। तो जो मीजोडर्म है उससे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं। और ये किधर होता है, डॉर्सल साइड में होता है। देखो ये एनिमल है, जैसे हमारा ये वाला पार्ट जो है, इट इज कॉल्ड वेंट्रल एंड दिस इज कॉल्ड डॉर्सल। तो इस एनिमल में क्या होगा, ये ऊपर का पार्ट हो गया डॉर्सल और नीचे का पार्ट हो गया वेंट्रल। तो जो डॉर्सल पार्ट है इसमें मुझे क्या मिल रहा है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड नोटोकॉर्ड, जो मेसोडर्मली डिराइव्ड है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है बॉडी को, ठीक है। तो ये होगा किसमें, कॉर्डेट्स के अंदर। उसके अलावा कॉर्डेट्स में क्या होगा, हॉलो नर्व कॉर्ड होगा। तो ये रहा नर्व कॉर्ड, इट इज अ हॉलो हॉलो नर्व कॉर्ड होता है ये। एक्चुअली नर्व कॉर्ड होता क्या है, ये होता है वास्ट बंडल, मतलब बहुत सारे बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स रहते हैं जो अलोंग द बॉडी रन करते हैं, ठीक है, पीछे से लेके आगे तक, ये मतलब आगे से लेके पीछे तक ये रन कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड नर्व कॉर्ड। और साथ में क्या होते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, मतलब जो फेरेंक्स होता है ना, फेरेंक्स पार्ट क्या होता है, इट इज अ पार्ट जहां पे क्या होता है, इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर ना, हम में भी क्या होता है, फेरेंक्स होता है जहां पे एयर भी जाती है और फूड भी जाता है। और यहां पे भी क्या होता है, फेरेंक्स वाले पार्ट में क्या होते हैं, ये गिल स्लिट्स होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेट्स की, ठीक है। पहले तो देखो ये ना, हमने एक नॉर्मल सी चीज समझी कि कॉर्डेट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब कोई कॉर्डेट होगा तो उसमें ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब देखो आगे पढ़ने से पहले ना हम एक क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले कहाँ गया, ये रहा क्लासिफिकेशन। क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि तब हमें ना क्लैरिटी होगी कि भाई अच्छा हम ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, मतलब कॉर्डेट्स के अंदर भी पहले कुछ ये हैं, फिर कुछ ये एडवांस है, फिर और एडवांस है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले फाइलम कॉर्डाटा हमने देखा, उनके कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा क्या क्या उनमें प्रेजेंट होता है। अब फाइलम कॉर्डाटा जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं किसमें, प्रोटोकॉर्डेट्स में और वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। सबसे पहले क्या है, प्रोटोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिवीजन हो जाता है। जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अर्ली कॉर्डेट्स होते हैं, मतलब इतना ज्यादा एडवांस नहीं होते हुए। बट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं, ठीक है। एक 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 पॉइंट, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम इसको समझेंगे। तो फाइलम कॉर्डाटा के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, फिर उसमें हमने प्रोटोकॉर्डेट सीखे और वर्टिब्रेट सीखे। प्रोटोकॉर्डेट्स अर्ली कॉर्डेट्स हैं, और वर्टिब्रेट जो होते हैं वो एडवांस होते हैं, ठीक है। अब प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर आते थे यूरोकॉर्डेट्स, या ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं इनको, और सिफेलोकॉर्डेट्स, ठीक है, ये आ जाते हैं। अब जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, यूरोकॉर्डेट्स के अंदर देखो नोटोकॉर्ड होगी। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जो कॉर्डेट्स होते हैं दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ना, कि उनमें नोटोकॉर्ड मिलती है। तो कॉर्डेट्स के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें नोटोकॉर्ड तो मिलेगी मिलेगी ऑब्वियसली। तो जैसे ये प्रोटोकॉर्डेट है, तो प्रोटोकॉर्डेट में यूरोकॉर्डेट है, तो यूरोकॉर्डेट के अंदर तो नोटोकॉर्ड मिले ही ना, तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल। बट यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, कि जो लार्वा है ना, लार्वा उसकी सिर्फ
जो टेल होती है वहीं पे नोटोकॉर्ड मिलता है, मतलब जब ये मेटामॉर्फोसिस करके, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है ना जिससे जो लार्वा होता है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो जब जब यूरोकॉर्डाटा के अंदर लार्वा स्टेज होगी तो उसकी जो टेल होगी वहाँ पे मुझे नोटोकॉर्ड मिलेगा, बट वो जब डेवलप होकर एडल्ट बन जाएगा तो उसमें नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगी, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट जो होंगे उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होंगी हेड से लेके टेल तक, और वो परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब वो लार्वा से लेके एडल्ट में सब में रहेगी, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट देयर लाइफ रहेगी, और यूरोकॉर्डेट में सिर्फ लार्वल स्टेज में भी लार्वल टेल में रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस तरफ का, इसको अब साइड करते हैं, अब हम वर्टिब्रेट्स पे आते हैं। तो देखो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चीज़ें पहले, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि किसके अंदर क्या है ना, तो ऐसे कैसे समझ में आएंगा, है ना। देखो तो पहले वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। अब वर्टिब्रेट्स बहुत एडवांस होते हैं, इनमें भी नोटोकॉर्ड होगी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर आ रहे हैं, बट इनमें एक कंडीशन आ जाती है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है, बट जैसे ही एम्ब्रियो ये डेवलप हो जाता है एडल्ट, एडल्ट बन जाता है जैसे ही, तो जो ये नोटोकॉर्ड है इट इज कन्वर्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोला मैंने, जब यहां पे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, जब वर्टिब्रेट्स जो रहते हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं तो उनमें नोटोकॉर्ड रहती है, बट लेकिन जैसे ही वो एडल्ट होते हैं एम्ब्रियोज मतलब डेवलप होके, तो फिर क्या होता है नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है इसमें वर्टिब्रल कॉलम में, उसमें चेंज हो जाती है, जिसे पीछे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं वो हम में प्रेजेंट है। तो हम किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर हम भी आते हैं, ठीक है। ह्यूमंस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर हम आते हैं क्योंकि हम में भी नोटोकॉर्ड होती है, बट कंडीशन क्या है, कब होती है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो हम क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं बट वी आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, एडवांस हैं। अब वर्टिब्रेट्स में भी डिवीजन हो जाएगी, देखो इसमें था एग्नाथा, एग्नाथा क्या होता है, इनमें जॉ नहीं होता, जॉ लेस होते हैं ये, और क्लास इसमें साइक्लोस्टोमाटा आता है, फिर नेथोस्टोमाटा इसमें जॉ रहती है, इसमें क्लास क्या आ जाती है, पिसेस में तो आपके पास मछलियाँ आ जाती हैं, और टेट्रापोडा में बियर लिम्स, इनमें लिम्स मिलती हैं, इनमें क्या मिलती है, फिन्स, ठीक है। तो फिन्स तो आपको तैरने के काम आती है, लिम्स होती है चलने के काम आती है, इसमें क्लास एम्फीबिया रेप्टाइल एव्स और मैमल्स आ जाते हैं, और इसमें क्या है, क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टेकाइथिस आ जाते हैं। कॉन्ड्रिकाइथिस एक्चुअली क्या होते हैं, कौन से वाले होते हैं, कार्टिलेजिनस जिनका एंडोस्केलेटन होता है, और ऑस्टेकाइथिस होते हैं जिनका बोनी एंडोस्केलेटन होता है, मतलब अंदर का जो स्केलेटन होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, एक थोड़ा सा ब्रीफ वे में इसको समझने की हमने कोशिश करी कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं, मतलब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है, है ना, ठीक है। अब हम पहले कॉर्डेट्स की जो है कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, एडवांस है तो सारी चीजें एडवांस होंगी, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट और एनिमल्स होंगे, विद अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल, दिस इज कॉल्ड पोस्ट एनल टेल। देखो पोस्ट एनल टेल जो है वो क्या है, एक पार्ट होता है जो क्या ये लिखा है ना, एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी दैट रन पास द एनल ओपनिंग, जो एनल ओपनिंग है उससे आगे अगर बॉडी एक्सटेंड हो जाती है तो उसे बोलते हैं पोस्ट एनल पार्ट, या उसको टेल भी बोला जाता है एक्चुअली, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, ओके। अब आता है कंपैरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, तो पहले कॉर्डेट्स की बात करेंगे और नॉन कॉर्डेट्स की कंपैरिजन देखेंगे, इनको कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी, इसमें क्या होगा, सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डॉर्सल ऊपर की तरफ होगा, मतलब ऑब्वियसली मैंने अभी बताया था डॉर्सल कौन सा होता है, हॉलो होगा और सिंगल होगा, ठीक है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो भी हमने देखा था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल, ये आगे की तरफ होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा। ये जो पॉइंट है ये हमने कहाँ पे देखा था, जब हमने अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, फेरिंग्स जो होते हैं वो परफोरेटेड हो जाते हैं गिल स्लिट्स से, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं कॉर्डेट्स में, इनमें गिल स्लिट्स नहीं होती हैं। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट देखो आगे की तरफ होता है, अगर हम डायग्राम में देखें ना तो यहाँ पे एक अच्छा सा डायग्राम है, ये है हार्ट, हार्ट की तरह वेंट्रल साइड में आगे आगे की तरफ है, ठीक है। इसमें क्या है, हार्ट डॉर्सल साइड होता है, इसमें पोस्ट एनल पार्ट मतलब टेल प्रेजेंट होती है, बट इस केस में पोस्ट एनल टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब देखो जो हमने डिवीजन देखा था, मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, वही चीज यहाँ पे दे रखी है। अब फाइलम कॉर्डाटा इज डिवाइडेड इनटू सब फाइला, यूरोकॉर्डेट और ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक तो यूरोकॉर्डाटा हो गया, एक सिफेलोकॉर्डाटा हो गया, और एक वर्टिब्रेटा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे तीन वो हो गए सब फाइला, यूरोकॉर्डाटा ट्यूनिकाटा एक हो गया, सिफेलोकॉर्डाटा दूसरा हो गया, और वर्टिब्रेटा तीन हो गया। अब सब फाइला जो यूरोकॉर्डाटा और सिफेलोकॉर्डाटा होते हैं, ये आर ऑफन रिफर टू एज
प्रोटोकॉर्डेट्स, ये हमने पढ़ा है, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर आते हैं ये। प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब लोअर कॉर्डेट्स जो होते हैं ना, हम तो एडवांस हैं, हम तो वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब ये पानी में रहते हैं। इन यूरोकॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। यूरोकॉर्डेट जो रहते हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है लार्वल टेल में, जो हमने देख लिया था। वाइल इन सिफेलोकॉर्डेट इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड से लेकर टेल तक जाता है, टेल रीजन तक, और परसिस्ट करता है थ्रू आउट देयर लाइफ। देखो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। यूरोकॉर्डेट्स के ये एग्जाम्पल है एसीडिया साल्पा, ठीक है, और सिफेलोकॉर्डेट्स में ब्रोंकियोस्टोमा आ जाते हैं, एम्फियोक्सस जिसमें आते हैं। द मेंबर ऑफ सबफाइला वर्टिब्रेट्स, अब जो वर्टिब्रेट्स है उसकी बात करते हैं, उसमें क्या है नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड तो होगी क्योंकि कॉर्डेट है, बट कब होगी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो हम जब एम्ब्रियो रहते हैं हम में भी नोटोकॉर्ड रहती है, बट लेकिन जो नोटोकॉर्ड होती है रिप्लेस हो जाती है बाय कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। नोटोकॉर्ड जो है वो एडल्ट में रिप्लेस हो जाती है, या तो कार्टिलेज की वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी या तो फिर वो किसकी बन जाएगी, बोनी वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी एडल्ट में। तो दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, देखो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तो कॉर्डेट होंगे ही होंगे, ठीक है, ये पॉइंट समझना, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स होंगे ही होंगे क्योंकि वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो वो कॉर्डेट्स हो जाएंगे। बट लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स ना, सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होंगे क्योंकि सारे कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है, वो सिर्फ किस में होती है वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, वेंट्रल आगे तरफ मस्कुलर हार्ट होता है जिसमें 3-4 चैम्बर होते हैं, 3 या 4 चैम्बर होते हैं। हमें कितने चैम्बर होते हैं, वी हैव 4 चैम्बर्स, ठीक है। किडनी किसके काम आती है, एक्सक्रीशन के काम आती है, ऑस्मोरेगुलेशन के काम आती है। पेयर्ड अपेंडेजेस मे बी फिन्स और लिम्स, तो इसमें फिन्स भी हो सकते हैं तैरने के लिए और लिम्स भी हो सकते हैं चलने के लिए, ठीक है। अब देखो पहली क्लास की बात करते हैं हम, किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्नाथा पढ़ा था ना वर्टिब्रेट्स में जिसमें साइक्लोस्टोमेटा था। तो साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें जॉ नहीं होती है, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस, एक्टोपैरासाइट मतलब ये दूसरे की बॉडी के ऊपर रहते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी, एक लंबी बॉडी होती है इनमें, बेयरिंग 6-15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है 6-15 फॉर रेस्पिरेशन। अच्छा आपको पता है जो गिल स्लिट्स होती है वो हमें भी होती है, बट हमें कब होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, एडल्ट में नहीं होती हमें कहीं गिल स्लिट्स नहीं है। तो गिल स्लिट्स रहती है हमें, बट कब रहती है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, ठीक है। अब साइक्लोस्टॉम्स हैव अ सकिंग एंड अ सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ, साइक्लोस्टॉम्स में सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जो जिसमें जॉ नहीं होती है। देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिंसेस, स्केल्स भी नहीं मिलते हैं और पेयर्ड फिंसेस इसमें नहीं होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनियस, क्रेनियम आपको पता है क्या होता है और वर्टिब्रल कॉलम भी आपको पता है ये क्या होता है कार्टिलेजिनियस के, कार्टिलेज के बने होते हैं। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉविंग, स्पॉवनिंग का मतलब होता है अंडे देना। तो क्या होता है ये रहते तो मरीन में है, मरीन कंडीशन में रहते हैं, बट लेकिन ये अंडे देने के लिए जाते हैं फ्रेश वाटर में, और आफ्टर स्पॉविंग ये क्या होते हैं कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइक्लोस्टोमेटा का। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है जिससे जो लार्वा होते हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं एडल्ट फॉर्म में, ठीक है, रिटर्न टू द ओशन। मैं जल्दी जल्दी क्यों बोलता हूँ ना, बोल रहा हूँ मतलब पुराने वीडियोज में नहीं बोलता था मैं इतना जल्दी, बट लेकिन अब क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैं शायद पुराने वीडियोज में धीरे बोलता था, कभी मैं भी जब अपनी वीडियो देखता हूँ ना खुद तो मुझे भी उसको वो करना पड़ता है फास्ट फॉरवर्ड, तो इससे अच्छा मैं खुद ही बोल लेता हूँ यार जल्दी पहले ही रिकॉर्ड करते हुए, है ना। तो लार्वा, चलो आगे बढ़ते, लार्वा ऑफन मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशन, ये हमने पढ़ लिया। ओके देन इसके बाद आता है ये हैच फिस वगैरह, इसके क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ध्यान रखना आप लोग। देन आता है क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस, दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी, लंबी बॉडी होती है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन मतलब अंदर जो है वो कार्टिलेज का है जो स्ट्रक्चर है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ कहाँ होता है आगे की तरफ होता है, वेंट्रली प्रेजेंट होता है, और नोटोकॉर्ड क्या होती है परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड जो हो रही है वो इसमें क्या है परसिस्ट है थ्रू आउट देयर लाइफ, तो मतलब पॉइंट है, ठीक है। गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड, गिल स्लिट्स सेपरेट होते हैं पेयर्ड नहीं रहते हैं इस तरीके से, और विदाउट ओपरकुलम, ओपरकुलम क्या होता है गिल्स के ऊपर एक कवरिंग होती है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। द स्किन इज टफ, स्किन होती है टफ,
कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स. अब ये दीज आर प्लेकॉइड स्केल्स. प्लेकॉइड स्केल्स क्या होते हैं, जो अगर मछली आपने देखी होगी तो उसके ऊपर ना स्केल्स होते हैं कुछ छोटे 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 छोटे, दीज आर कॉल्ड प्लेकॉइड स्केल्स. अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो टीथ होते हैं वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही है. मतलब वो प्लेकॉइड स्केल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टीथ बनाते हैं, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की तरफ को रहते हैं वो घूमे हुए. देयर जॉ वॉज वेरी पावरफुल. इसकी जॉ बहुत पावरफुल होती है, अगर एक बार पकड़ लेगी तो फिर ये छोड़ती नहीं है, मतलब मुश्किल होता है इसको छुड़ाना ना. दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, मतलब प्रीडेटर्स होते हैं, दूसरे को खाते हैं ये. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें क्या होता है, एयर ब्लैडर नहीं होता. एयर ब्लैडर अपने को बॉयंसी प्रोवाइड कराता है, तो इनमें तो बॉयंसी मिलेगी नहीं क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं है. तो अगर इनमें एयर ब्लैडर नहीं है तो क्या है, दे हैव टू बी स्विम कंटिन्यूअसली, इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना है ना, तो ये सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे. हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, वन ऑरिकल और वन वेंट्रिकल. सम ऑफ देम हैव अ इलेक्ट्रिक ऑर्गन. इलेक्ट्रिक ऑर्गन जैसे कि एग्जाम्पल टॉर्पेडो सुना होगा, करंट छोड़ती है वाली जो मछली होती है, और ये इसका एग्जाम्पल है. और इसमें क्या है, सम पोसेस पॉइजन स्टिंग, जिसमें आता है स्टिंगिंग रे, टाइगॉन जिसका नाम है. दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्म्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते. इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आसपास के टेम्परेचर पे ही कंट्रोल होता है, मतलब आगे बाहर का टेम्परेचर बढ़ा तो इनका ही बढ़ेगा, घटा तो घटेगा. दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. सेक्सेस आर सेपरेट, है ना. इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स. अब देखो जो मेल्स होते हैं ना उनमें क्या होते हैं, पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स मिलते हैं. तो ये रही वो मछली, इसमें ये रहा पेल्विक फिन, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है इट इज कॉल्ड क्लैस्पर. क्लैस्पर मेल में होता है और ये क्या करता है, स्पर्म ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी. दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. मैनी ऑफ देम आर वीविपैरस, मीन्स जो डायरेक्टली भर देते हैं. डॉग फिश, शॉ फिश, ग्रेट व्हाइट शार्क इसके एग्जाम्पल है. स्टिंग रे जो ऐसे होती है क्या, स्टिंग रे ना ऐसे 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 और ऐसे होती है, उसमें निकली हुई, ठीक है. देन आता है क्लास ऑस्टिकाइथस, इट इंक्लूड बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, जिसमें बोनी एंडोस्केलेटन होगा. इनका जो एंडोस्केलेटन होगा कैसा होगा, बोनी होगा. ऊपर वाला कैसा था, कार्टिलेज का, अब इनमें डिफरेंस है हुआ, ठीक है. देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन. माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, मतलब आगे की तरफ होगा माउथ एकदम. दे हैव फोर पेयर ऑफ गिल्स, चार पेयर ऑफ गिल्स होंगे और ये कवर्ड होंगे ओपरकुलम से, ऊपर की तरफ ओपरकुलम नहीं था, ऑन ईच साइड. स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड एंड टेनॉइड स्केल्स. अब इसमें साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स मिलते हैं, वहां पे क्या मिल रहा है, प्लेकॉइड स्केल्स. प्लेकॉइड ही तो थे, एक मिनट यार, कंफ्यूजन. हाँ, दे हैव अ प्लेकॉइड स्केल्स, और प्लेकॉइड स्केल्स उसमें क्या बन गए थे, दांत. तो साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स यहां मिलते हैं. अब देखो उधर एयर ब्लैडर नहीं था, यहां एयर ब्लैडर है जो उनको बॉयंसी प्रोवाइड कराता है. हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल. दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. और सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस कैसे रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, ठीक है. और भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यूजुअली एक्सटर्नल होता है. दे आर मोस्टली वीविपैरस और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. ऊपर वाले में फर्टिलाइजेशन का कैसा था, इंटरनल. एग्जाम्पल फ्लाइंग फिश, सी हॉर्स, रोहू, कटला, ये कॉमन फिशेज होती हैं जो मिलती हैं आसपास. मेगुर और फाइटिंग फिश और एंगर फिश. एक मूवी थी फाइंडिंग नीमो, बहुत पुरानी मूवी थी, मैंने तो बचपन में देखी थी, तो उसमें ये एंगल फिश थी, फाइंडिंग नीमो, ठीक है. फाइंडिंग नीमो में जो फिश थी वो एक्चुअली कौन सी थी, क्लाउन फिश, ठीक है. चलो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में ना, क्योंकि 18 मिनट का ये वीडियो हो चुका है. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाकी यार पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो जो डाटा है ना वो मुझे ये बताता है कि मोर देन 60% जो व्यूअर्स हैं इस चैनल के वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, दे आर नॉन सब्सक्राइबर्स. तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, उससे एक कॉन्फिडेंस मिलता है अपने को, और इससे आप मतलब अपना सपोर्ट जो है वो शो कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड आगे ये साल आपका बहुत अच्छा रहे, ठीक है. तो बाय बाय.